टोक्यो ओलंपिक में भारत ने रचा इतिहास, जेवलिन थ्रो में नीरज चोपड़ा ने भारत के लिए गोल्ड मेडल जीता। बजरंग पूनिया ने जीता कांस्य, ओलंपिक में भारत को एक और मेडल मिला। कोरोना के खिलाफ भारत की मजबूती और हुई जॉनसन एंड जॉनसन की सिंगल शॉट वैक्सीन को मंजूरी। अगस्त में दूसरी बार 40,000 से कम आए नए केस, मौत का आंकड़ा बढ़ा। अफगानिस्तान के कुंदुज शहर में भड़की हिंसा, 11 लोगों की मौत, कई घायल। नमस्कार, उत्तर प्रदेश की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुष्का सिंह। उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए सभी पार्टी अपने कील कांटे दुरुस्त कर रही हैं। पार्टियों ने अभी से जातीय गणित बिठाने की जद्दोजहद शुरू कर दी है, तो वहीं सत्तासीन बीजेपी के अकाल मान नेताओं का यूपी में आगमन होना भी शुरू हो चुका है। चुनाव आते ही राजनीतिक दलों के दिल की धड़कनें तेज हो गई हैं। पार्टियों ने अपनी तैयारियों को तेज करने के लिए कार्यकर्ताओं और नेताओं को जिम्मेदारी सौंप दी। चुनाव में भले ही वक्त अभी बचा है, लेकिन पार्टियों ने अपने इरादे जाहिर कर दिए हैं। कोई ब्राह्मण की बात कर रहा है तो कोई पिछड़ों की तो कोई मुस्लिमों की। हर पार्टी अपने अपनी रणनीति के तहत भाजपा को घेरने की फिराक में दिखाई दे रही है। इन सबसे इतर भाजपा अपनी तैयारियों में मशगूल दिखाई दे रही है। बीते कुछ दिन पहले गृह मंत्री अमित शाह ने यूपी का दौरा किया, वहीं अब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा यूपी आए हुए हैं। जेपी नड्डा अपने इस दौरे पर चुनावी तैयारियों का जायजा लेंगे, साथ ही चुनावी तैयारियों को धार भी देंगे। भारतीय जनता पार्टी के आलाकमान के नेताओं का लखनऊ आना शुरू हो गया है। बीते दिनों अमित शाह लखनऊ के दौरे पर थे और आज भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा लखनऊ दौरे पर हैं और कल आगरा जाएंगे। आज आपको हम दिखाना चाहेंगे इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, जो जिला पंचायत अध्यक्ष है, वह जिला प्रमुखों के साथ मीटिंग कर रहे हैं और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी 2022 के चुनाव को लेकर तैयारियों को तेज कर दिया है। और कल जेपी नड्डा आगरा दौरे पर रहेंगे। आज यहाँ पर जो पिछड़ा वर्ग के जो लोग हैं उनको साधने की कोशिश की जा रही है, उनके लिए जगह जगह सम्मेलन किए जा रहे हैं और 2022 में बीजेपी अपना वोट बैंक बढ़ाने के लिए तैयारियां कर रही है। कैमरामैन वीरेन के साथ रेहान वारती, लखनऊ। बात करें अगर समाजवादी पार्टी की, तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बीते दिनों साइकिल यात्रा निकालकर सत्ता पक्ष में खलबली मचा दी है। अखिलेश ने साइकिल यात्रा की और उस साइकिल यात्रा से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में सरकार पर गंभीर निशाना साधा। ऐसा मिसमैनेजमेंट, ऐसी सरकार की नाकामी और पूरे का पूरा सरकार का जितना भी एडमिनिस्ट्रेशन था, उसने जनता को धोखा देने का काम किया। बड़ी संख्या में लोगों की जान चली गई। जिन परिवारों के सदस्य, जिन परिवारों ने खोए हैं, उनकी दुख की कल्पना नहीं की जा सकती। अखिलेश यादव यही नहीं रुके, उन्होंने ये तक कह डाला कि आने वाले समय में 400 से ज्यादा सीटों पर जीत दर्ज करके इतिहास लिखेंगे। आने वाले समय में हो सकता है जनता समाजवादियों को 400 सीटें भी जितवा दे। अभी तक तो हम 350 बोलते थे, लेकिन जिस तरह की नाराजगी जनता के बीच में है, हो सकता है 400 सीटें जीत जाए। इससे इतर समाजवादी पार्टी ने आज फिर से मंडल कमीशन को लागू करने के लिए भी आवाज बुलंद कर दी है। समाजवादी पार्टी ने अपनी ओबीसी पॉलिटिक्स को धार देना शुरू कर दिया है।
चुनाव को ध्यान में रखते हुए समाजवादी पार्टी ने अब प्राइवेट सेक्टर में भी आरक्षण लागू करने की मांग की है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आज जो मंडल रिपोर्ट है उसमें संशोधन की सरकार से मांग की है और साथ ही साथ आज पूरे प्रदेश में मंडल दिवस मनाया गया है, तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में जो आने वाले 2022 के चुनाव हैं उनको देखते हुए जो जातीय समीकरण है वो काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और कहीं ना कहीं सभी राजनीतिक पार्टी जो पिछड़ा वर्ग के लोग हैं उनका वोट साधने की कोशिश कर रही है। कैमरामैन मन्ना के साथ रेहान वारसी, लखनऊ। देखा आपने कि कैसे इन दिनों यूपी में राजनीति गरमाई हुई है। सत्ता हो या विपक्ष, हर कोई अपनी तैयारियों में जूझा हुआ है। हर पार्टी चाहती है कि सत्ता की चाबी उसके हाथ में आ जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम टीवी। ২০২২ में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सपा ने अपनी प्लानिंग पूरी कर ली है और समाजवादी पार्टी ने अपनी जीत का भी दावा किया है। इसी कड़ी में राजधानी लखनऊ में राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की और बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला। अखिलेश यादव की मौजूदगी में सैकड़ों की संख्या में आए लोगों को पार्टी में ज्वाइनिंग कराई गई। खास बात यह रही कि वृंदावन के महामंडलेश्वर सत्यानंद गिरी भी सपा में अब शामिल हो गए हैं। कांग्रेस और बसपा के भी कई नेता अब सपा में शामिल हो गए हैं। वहीं कानपुर देहात में यमुना नदी कहर बरपा रही है। सैकड़ों गांव बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं और घरों में पानी भर गया है। लोग नाव के सहारे आवागमन करने को मजबूर हो चुके हैं। केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने मूसा नगर क्षेत्र पहुंचकर नाव में बैठकर बाढ़ क्षेत्रों का जायजा लिया, बाढ़ पीड़ितों से मिलकर उनका हाल जाना। वहीं बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री भी उन्होंने वितरित की। वहीं बाढ़ में जानवरों को पानी में बह गए हैं, जिसके बाद पूरे मामले की जानकारी ली गई। क्षेत्र में SDRF की टीम भी लगाई गई है जो बाढ़ में फंसे लोगों के राहत बचाव कार्य में लगातार जुटी हुई है। इसके साथ ही मूसा नगर पुलिस भी राहत बचाव कार्य कर रही है। बाढ़ पीड़ित ग्रामीणों से किसी भी प्रकार की सुविधा न मिलने का आरोप भी साफ तौर पर लगाया गया है। वहीं SDRF टीम सदस्य ने बताया कि मूसा नगर क्षेत्र के कई गांव में बाढ़ से हालात बद से बदतर हो चुके हैं, लोगों के घर डूब गए हैं। बाढ़ में फंसे लोगों को निकाल कर सुरक्षित स्थानों पर इस वक्त पहुंचाया जा रहा है। हालात यहाँ के बहुत ही खराब है और दयनीय स्थिति है। सेंगुर और प्लस जमुना जी का पानी जल स्तर काफ़ी बढ़ा हुआ है और कानपुर देहात मूसा नगर की जो क्षेत्र है यहाँ जल ही जल दिखाई दे रहा है। और SDM महोदय और SO साहब जी जो थे, CO साहब महोदय, सारा यहाँ इनके लिए गांव के लोगों के लिए राशन भिजवाया गया है, जो कि वहाँ हम लोग गए थे और राशन दे के वापस आए हैं। अभी यहाँ बहुत वर्षों के बाद इतनी बाढ़ आई है और इस बाढ़ में इस बार बहुत सारे गांव प्रभावित हुए, जिसमें मुसड़िया है, नंगीना है, क्योटरा है, नया पुरवा है, इधर आरहन, पथारन और गढ़, ये इधर के पूरे एरिया प्रभावित है। मुझे लग रहा है कि लेकर के इटावा से और प्रयागराज तक लगभग जमुना जी किनारे के गाँव सारे प्रभावित हैं। मैं कल इसीलिए आई थी कि मैं देखूं जाकर के मौके पर, माननीय मुख्यमंत्री जी से भी बात करूंगी और यहां के अधिकारियों से, मैंने सुबह DM से। वहीं सिद्धार्थनगर के डुमरियागंज तहसील क्षेत्र के पिकौरा गांव से सटे राप्ती नदी का भी जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। जलस्तर बढ़ने से कटान भी तेजी के साथ हो रहा है, जिसमें दो रिहायशी मकानों को अपने में विलीन कर लिया गया, जिसके चलते ग्रामीणों में दहशत का माहौल इस वक्त देखने को मिल रहा है। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि गांव पर भी इस वक्त अस्तित्व का खतरा मंडरा रहा है। ग्रामीणों ने कटान को रोकने के लिए जिम्मेदारों द्वारा उचित स्थायी प्रबंध करने की मांग की है। पिकौरा गांव निवासी प्रहलाद ने कहा कि हमारे गांव के रिहायशी मकान नदी में समाहित हो चुके हैं। सूचना के बाद भी अभी तक हल्का लेखपाल और अन्य कोई जिम्मेदार हम लोगों का हाल जानने यहाँ नहीं पहुंचा है। अब दिक्कत यह है साहब कि देखो बच्चे हैं, पूरा नदी कट जाता है, बाग बगीचा रहा सब कट गए, घर का ठिकाना ना आए, हम लोग कहाँ पे जाएं बच्चे लेके। अब देखो कोनो व्यवस्था करो कि हमन का ठिकाना रहा है। मैं हम मजूर वाले आदमी हुई,
मुरादाबाद में बीएसपी महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा ने प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन का संबोधन किया। आपको बता दें कि बीएसपी महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा ने कहा कि बीएसपी ब्राह्मणों के साथ खड़ी है, इस सरकार में ब्राह्मणों पर अत्याचार किया गया है और बीजेपी सरकार छोटे लोगों के साथ लगातार अन्याय कर रही है। इसी के साथ उन्होंने आगे आने वाले चुनाव को लेकर भी सरकार पर जमकर निशाना साधा। अन्न योजना के दिवस पर फ्री बैग के साथ 5 दिवसीय राशन वितरण का कार्यक्रम आयोजित हुआ। आपको बता दें कि जौनपुर के पंचायत पिटर हाई गांव में 5 दिवसीय अन्न योजना पर कोटेदार ने राशन वितरित नहीं किया। अब आप इसे शासन स्तर से कोटेद्वार की दबंगई समझ लीजिए या फिर ग्रामीणों की लापरवाही, लेकिन ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि 2 महीने से राशन वितरण नहीं हुआ और प्रशासनिक अधिकारी प्रदेश सरकार के मंसूबों पर साफ तौर पर पानी फेर रहे हैं। कैट थाना अंतर्गत महादेवा घाट पर कल मछुआरों को नदी में से एक माँ दुर्गा की प्रतिमा मछली पकड़ने के जाल में मिली, जिस संदर्भ में जब मछुआरों को पता किया गया तो एक लगभग 1 फीट की लगभग 20 किलोग्राम वजन की माँ दुर्गा की प्रतिमा है। ग्रामवासियों का कहना है कि ये प्रतिमा अष्ट धातु की है, लेकिन अभी इस संदर्भ में कुछ कहा नहीं जा सकता। रायबरेली में आज सपाइयों ने सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के आह्वान पर कार्यकर्ताओं ने पदयात्रा निकाली। पदयात्रा निकालते हुए कार्यकर्ताओं ने बीजेपी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। सपाइयों ने मंडल आयोग लागू कराने के बारे में बताते हुए भी प्रदर्शन किया। इसी के साथ कृषि कानून के बारे में भी बोलते हुए कार्यकर्ताओं ने कहा कि सरकार आखिर इस काले कानून को वापस क्यों नहीं लेती, जब सरकार को पता है कि इस कानून से किसानों का कितना ज्यादा नुकसान हो सकता है। इसी के साथ सपाइयों ने डीएम को ज्ञापन सौंपते हुए कई मुद्दों पर ध्यान देने के लिए कहा है। पलायन सिंह यादव जी जब मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने मंडल कमीशन रिपोर्ट के आधार पर जो सिफारिशें थी उसके तहत उन्होंने 27% आरक्षण उत्तर प्रदेश में लागू किया, लेकिन उसके बाद ये जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है इसने पिछड़ों के साथ अन्याय किया है। पिछड़ों का 27% आरक्षण समाप्त करने का कुचक्र रचा और समाप्त कर। गोरखपुर में बेनीगंज चौकी इंचार्ज पर उत्पीड़न और पिटाई का आरोप लगा है। इस मामले में पीड़ित परिजनों ने न्याय की गुहार लगाई है। बता दें कि पीड़ित को गाड़ी देने के बहाने बेनीगंज चौकी इंचार्ज द्वारा थाने में बुलाया गया, जिसके बाद उसे बंद करके बुरी तरह से मारा पीटा गया। पिटाई का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस मामले को लेकर पीड़ित की बहन ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि बेनीगंज चौकी इंचार्ज द्वारा बाइक लूट के मामले में उसके भाई को थाने पर बुलाया गया, जहां उसे 3 दिनों तक थर्ड डिग्री दिया गया। साथ ही एसपी सिटी को प्रार्थना पत्र भी इस पूरे मामले में सौंपा गया है। उन्होंने कहा कि जांच सीओ कोतवाली करेंगे। परिणाम सिर्फ यही सुनने को मिल रहा है हर जगह कि आपकी मदद की जाएगी, आश्वासन दिया जा रहा है, अभी तक कुछ परिणाम आया तो नहीं। मैं एसएसपी ऑफिस गई थी, मुलाकात नहीं हो पाई। एसपी सिटी जी से मुलाकात हुई, उन्होंने कहा सीओ के पास मैंने केस भेज दिया है, वो जांच करके आपको सूचित करेंगे। कल मैं एडीजीपी ऑफिस गई, उनसे मुलाकात नहीं हो पाई। पीआरओ से मुलाकात हुई उनके और एडिशनल एसएसपी से मुलाकात हुई, उन लोगों ने बोला कि आपके भाई के साथ जाति तो हुई है, मिसबिहेव तो बहुत ज़्यादा किया गया है और जो कि सामने वाला। लखनऊ के गोसाईगंज में हुई लूट का क्राइम ब्रांच ने खुलासा कर दिया है। करीब 34 लाख रुपए की लूट की साजिश रची गई थी और सूचना पर क्राइम ब्रांच की टीम ने एक्टिव होते हुए शातिरों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनके कब्जे से लाखों का कैश और 2 तमंचे भी बरामद किए गए हैं। बता दें कि ये शातिर कार में लोगों को बंधक बनाकर लूट की वारदात को अंजाम दिया करते थे। कि मैंने कुछ लोगों के साथ मिलकर इस लूट की साजिश रची, उसमें उसने 2 नाम बताए थे, शमशाद और नसीम। उसके आधार पर पुलिस ने चेकिंग की और भिटोला क्रॉसिंग पर शमशाद को भी अरेस्ट किया गया। इसमें 34,50,000 की लूट में से 16,90,000 की रिकवरी हो गई है और बाकी शेष अभियुक्त। प्रदेश के कई इलाकों में लगातार बारिश हो रही है। बारिश की वजह से कई इलाकों में नदियां इस वक्त तूफान पर है और लगातार बढ़ते नदियों के जलस्तर की वजह से बाढ़ की स्थिति भी इस वक्त देखने को मिल रही है। नदियों के आसपास रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थानों पर लगातार भेजा जा रहा है। वहीं कानपुर की पांडू नदी में आए उफान की वजह से लोग पलायन को इस वक्त मजबूर हो गए हैं।
पांडू नदी से सटा इलाका पनका बहादुर नगर बाढ़ के बाद पानी से भर गया है। इलाके में पानी भरने से लोग नाव के जरिए सुरक्षित स्थान पर लगातार पहुंचाए जा रहे हैं। साथ ही विकास प्राधिकरण ने अपनी स्कीम को बाढ़ से बचाने के लिए पांडू नदी से सटाकर दीवार भी बना दी है। फिर भी पनका बहादुर नगर में बाढ़ का पानी भरता ही जा रहा है। अलीगढ़ के तहसील इगलास में संपूर्ण समाधान दिवस आयोजित किया गया। संपूर्ण समाधान दिवस की अध्यक्षता डीएम श्रीमती सेल्वा कुमारी जे के द्वारा की गई। डीएम ने संपूर्ण समाधान दिवस में आए फरियादियों की समस्याओं को सुनकर उनका समाधान किया, जिनमें शिकायतों को सुनकर निस्तारण के आदेश दिए गए हैं। ज्यादातर शिकायतों को तत्काल ही हल करने के आदेश दिए गए, साथ ही कुछ शिकायतें बाकी रही हैं जिनका जल्द ही निस्तारण किया जाएगा। उप जिलाधिकारी के द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि आज डीएम के द्वारा तहसील इगलास में पहली बार आवागमन के बाद निरीक्षण भी किया गया है, जिसमें उनको कोई भी खामी नहीं मिली। आज नवागंतुक मैडम का पहला ही हमारा वो था तहसील दिवस, और इसमें लगभग 100 के आसपास एप्लीकेशन आई है। तो बेसिकली जो मैं ये नहीं कह सकता कि एक खाली एक ही विभाग की ज़्यादा है, ये एप्लीकेशन इस तरह की ज़्यादा है जिसमें दो विभाग या तीन विभाग इन्वॉल्व हैं। जैसे हमारे लोग ने चक्रोट की पैमाइश कर दी, अब उसको मिट्टी डालना है विकास विभाग से, है ना। इसी तरह से कहीं कहीं पर पुलिस की आवश्यकता है, तो अब हम लोग एक टीम बना के जिसमें विकास विभाग, पुलिस विभाग और हमारा राजस्व विभाग, ये रहेगा हम टीम। औरैया में स्क्वाड टीम और कोतवाली पुलिस को बड़ी भारी सफलता हाथ लगी है, जहां पुलिस ने बेचने जा रही 10 मोटरसाइकिल की बरामदगी के साथ अंतरराज्यीय चोर गिरोह का पर्दाफाश किया है। बता दें कि पुलिस ने पकड़े शातिर चोरों की निशानदेही पर अन्य जनपदों से चोरी की हुई 10 मोटरसाइकिलों और मोटरसाइकिलों के पार्ट्स व नंबर प्लेट को भी बरामद किया है। पुलिस ने शातिर चोर को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि गिरोह के दो अन्य साथी भागने में सफल रहे हैं। अब फरार चोरों की पकड़ने की तैयारी की जा रही है। थाना छल्दा क्षेत्र में इसकी एक स्पेयर पार्ट्स की और मोटरसाइकिल रिपेयर करने की दुकान भी है, जिसको वो एक माध्यम के रूप में यूज़ करता है, जहां पर ये चोरी की गई बाइक्स का आदान प्रदान और वहीं से उसको उनके नंबर प्लेट्स बदलकर वहां से इन बाइक्स को जगह जगह बेचता है। तकरीबन 10 जो चोरी की मोटरसाइकिल्स हैं इसके पास से बरामद की गई हैं। इसके द्वारा बताया गया है कि लंबे समय से ये और इसके दो अन्य साथी, और इसने कुछ अन्य लोगों का नाम भी बताया है जो कि शहर क्षेत्र में भी एक्टिव हैं और चोरी कर रहे हैं, उनका नाम बताया है और बता रहे हैं कि लंबे समय से ये लोग तीन तलाक का कानून बनने के बावजूद न्याय के लिए शाहजहांपुर में 4 वर्षीय बच्ची के साथ पीड़िता भटक रही है। दहेज लोभी लोग पीड़िता को लगातार परेशान कर रहे हैं। पीड़िता के पिता की ओर से इस मामले में शिकायत दर्ज कराई गई है, लेकिन उनकी मांग आए दिन बढ़ती ही जा रही है। इसी दौरान पीड़िता पर लगातार अत्याचार भी बढ़ने लगे और एक बार फिर दहेज की मांग को लेकर पीड़िता को जमकर मारा पीटा गया है। पीड़िता लगातार न्याय पाने के लिए चक्कर काटने को मजबूर है। पीड़िता का कहना है कि पैसों के चक्कर में उसका पति उसे काफी समय से परेशान कर रहा है। कुछ नहीं हुआ, वो जो कह रहे समझौता कर लो, हम समझौता कैसे कर लेंगे बताइए, हमें तीन तलाक दे चुके हैं मेरे मतलब मेरे मियाँ, अब समझौते का तो कोई वो ही नहीं बचा, अब हम समझौता कैसे कर सकते हैं। मुकदमे के लिए हम 8 दिन से फिर रहे हैं, 4-5 दिन तो ऑलरेडी हो चुके हैं, मुकदमा दर्ज नहीं। लखीमपुर खीरी के मैगलगंज थाना क्षेत्र में एक मूर्ति को तोड़कर छत विछत कर दिया गया और यज्ञशाला को आग लगा दी गई। मंदिर के पुजारी सुबह पूजा करने के लिए मंदिर गए, तब उनको इस पूरे मामले की जानकारी हुई। तत्काल 112 को पूरे मामले की जानकारी दी गई। कर्मचारियों ने मौके का मुआयना किया और मैगलगंज कोतवाली को मामले की सूचना दी। मौके पर पहुंचे कोतवाली प्रभारी ने ग्रामीणों को समझाया और कहा कि इस जघन्य अपराध में जो कोई भी लोग शामिल है उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आज सुबह थाना मैगलगंज क्षेत्र अंतर्गत चौगानपुर गांव से एक सूचना प्राप्त हुई कि गांव के बाहर खेतों में बने एक मंदिर में शंकर नाम के एक व्यक्ति के द्वारा यज्ञशाला और हनुमान जी की मूर्ति को क्षतिग्रस्त किया गया है। गाजीपुर में इन दिनों गंगा के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, जिसका असर गंगा के तटवर्ती इलाकों पर पड़ना शुरू हो चुका है। इसके साथ ही जनपद में गंगा के अलावा 9 अन्य नदियां भी बहती हैं। इन दिनों
कर्मनाशा नदी भी काफी ज्यादा उफान पर पहुंच चुकी है और जलस्तर भी लगातार बढ़ता जा रहा है। आपको बता दें कि पानी अब इतना बढ़ चुका है कि अब इसका पानी सड़क पर पहुंचने लगा है, जिसके चलते इस राजमार्ग का आवागमन भी ठप हो चुका है। सड़क काफी सक्रिय है और करीब 2 से 4 फुट का पानी सड़क पर पहुंच चुका है, जिसके चलते आवागमन खतरे से खाली नहीं बचा है। शराब के नशे में धुत कुछ लोगों ने एक युवक को जमकर पीटा है। रामपुर से पूरा मामला सामने आया है, जहां पर पिटाई की वजह से व्यक्ति को कई गंभीर चोटें आई हैं। वहीं घटना से परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। पिटाई के मामले में पीड़ित ने आशियाना कोतवाल में तहरीर दी है और हमलावरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की जा रही है। शिकायत दर्ज करते हुए पुलिस ने मामले में कड़ी कार्रवाई के आश्वासन भी जारी किए। फतेहपुर में जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों में चले लाठी और डंडे। आपको बता दें कि दोनों पक्षों से कुल 7 लोग घायल हो गए। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को मेडिकल के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भेज दिया है। पुलिस ने केस दर्ज करते हुए हकीकत जानने की कोशिश की, साथ ही ये मामला जहानाबाद थाना क्षेत्र के रोशनपुर गाँव का बताया जा रहा है, जहाँ पर दो पक्षों में भीषण मारपीट देखने को मिली है। और इसी के साथ उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार।